हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बेसन की सब्जी बनाने जा रहे हैं, और जो कि बहुत ही इजी और स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है। और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए, और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसन सब्जी बनाना। यहाँ पर हम एक बाउल में बेसन ले लिए हैं, और इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। और स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और धनिया पाउडर, इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे चिकना करने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को लगा लूँगी। बेसन का आटा मैं सख्त लगाऊँगी। इसको हम 7 मिनट तक के लिए ढक देंगे, और 7 मिनट हो गया है। इसको थोड़ा सा और हम मसल लेंगे तेल लगा के हाथों में, ताकि ये चिकना बन जाए। और बेसन का छोटा छोटा हम डो लेंगे, और इसको हम रोल बना लेंगे। इसी तरह हम रोल बना लेंगे, और 2 इंच में हम काट लेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकती हैं, छोटा या बड़ा। और इसको हम पिल्फिन से होल कर लेंगे, और पिल्फिन हम थोड़ा सा आयल लगाएंगे, ताकि ये चिपके ना अंदर से। और होल करने से बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, और अंदर इसमें मसाला भी चला जाता है। तो इसी तरह हम बचे हुए डो को होल कर लूँगी। और इसको पकाने के लिए यहाँ पे हम एक बर्तन रख दिए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अब जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगेगा, तो हम इसी रोल को डाल देंगे। और रोल अच्छी तरह से हम बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पानी उबलने लगा है, तो हम रोल को डाल दूंगी। और इसको हम 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें उबाल आने लगा है, जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, तब इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो रोल अच्छी तरह से पक गया है, तो हम गैस को ऑफ कर दूंगी, और रोल को एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। बेसन का पोला कहते हैं, आप जो भी कहते हैं। तो इसमें हम कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालेंगे बेसन सब्जी बनाने के लिए। और तेल अब गर्म हो गया है, तो इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। और जीरा चटकने लगा है,
अब इसमें हम प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मीडियम आंच से कम इसको हम भून लेंगे। यहाँ पर हम गैस का आंच बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि जले न प्याज। और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर दही का भी प्रयोग कर सकती हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और प्याज टमाटर अच्छी तरह से पक गया है क्योंकि इसमें ऑयल ऊपर की ओर आ रहा है। तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इन सब मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अब इसमें हम हींग डाल देंगे। मसाला अच्छी तरह से पक गया है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें हम अब पानी ऐड कर देंगे। आप पानी को अपने अनुसार रख सकती हैं, कम या ज़्यादा। इसको हम 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे और अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब इसमें 2-3 उबाल आ गया है। अब इसमें हम पोला को डाल दूंगी, जो बेसन का पोला बनाई थी। और इसको भी हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे और ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से भुन जाए। तो अब पोला की सब्जी बनने वाली है। तो बेसन सब्जी बन के तैयार हो गया है। तो इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। तो हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।